हेलो स्टूडेंट्स, तो आज आप लोगों को हम लोग लास्ट क्लास में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ साथ हमने आपको सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के साथ साथ हमने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में भी कुछ बेसिक नॉलेज आप लोगों को दे दिया था, ठीक है। तो आज बारी है उसके क्वेश्चन करने की। ओके, तो क्वेश्चन करने की बारी तो है आज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। लेकिन एक बात याद रखना कि इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल जो कैलकुलेट किया जाता है, वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो हमने लास्ट वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोग को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अगर आपको समझ में ना आए तो वहां पर जाके एक बार और आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, अपन बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कभी भी याद रखना, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैलकुलेट होता है, वो ऑलवेज 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 ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होता है। किस पे कैलकुलेट होता है? ओपनिंग कैपिटल, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेटेड ऑन, जब भी आप कंप्यूट करोगे, किस पे कंप्यूट करोगे? ओपनिंग कैपिटल पे। तो जनरली ओपनिंग कैपिटल किसको बोलते हैं? जो बिजनेस में स्टार्टिंग में जो हम कैपिटल लगाते हैं ना, साल के शुरुआत में जो कैपिटल का वैल्यू होता है, उसी को अपन क्या कहते हैं? ओपनिंग कैपिटल कहते हैं, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि ओपनिंग कैपिटल तो मैक्सिमम केसेस में आपको निकाल कर दिया ही रहेगा कि भाई ये ओपनिंग कैपिटल का अमाउंट इतना है, लेकिन कई बार क्वेश्चन में हम लोग को ओपनिंग कैपिटल का अमाउंट नहीं दिया होगा, तब अपन कैसे करेंगे, ठीक है। चलो बताते हैं। तो जनरली तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ओपनिंग कैपिटल का अमाउंट नहीं दिया होगा तो कैसे करोगे? सुनो, कैसे निकालोगे? ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ता है कि जो आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हो, अभी थोड़ा कैपिटल अकाउंट जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था, कैपिटल अकाउंट दो प्रकार का होता है, एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि पार्टनरशिप फर्म कौन सा कैपिटल मेथड फॉलो कर रहा है, ठीक है। अगर वो पार्टनरशिप फर्म फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहा होगा, कौन सा मेथड फॉलो कर रहा होगा? फिक्स्ड कैपिटल मेथड अगर उसका पार्टनरशिप फर्म फॉलो कर रहा होगा, तब वहां पर जो ओपनिंग कैपिटल निकालना हो, कैसे निकालेंगे? चलिए देखिएगा, सबसे पहला कैसे निकालना ओपनिंग कैपिटल, समझिए। देखिए, सबसे पहले देखिए क्या करना, क्लोजिंग कैपिटल ले लेना, जो भी क्लोजिंग कैपिटल होगा उसको क्लोजिंग कैपिटल लिख लेना। इस क्लोजिंग कैपिटल में फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या माइनस करोगे? क्लोजिंग कैपिटल में ज्यादा कुछ आपको माइनस नहीं करना है। अगर किसी प्रकार का इसमें से आप माइनस कर लोगे विड्रॉ ऑफ कैपिटल, अगर कोई विड्रॉ ऑफ कैपिटल, सॉरी माइनस नहीं करना, ऐड करना, ऐड करना विड्रॉ ऑफ कैपिटल। अगर ये फॉर्मूला याद रख लो, विड्रॉ ऑफ कैपिटल, अगर कैपिटल क्या किया गया, निकाला गया है, विड्रॉ किया गया है, तो उसको क्या कर लेंगे आप लोग? ऐड कर लेंगे, ठीक है। और अलग से कोई कैपिटल लगाया गया है तो उसको आप क्या कर लेंगे? लेस कर लेंगे, एडिशनल कैपिटल। इतना ही करेंगे बस, तुम्हारा क्या निकल आएगा? ओपनिंग कैपिटल क्या हो जाएगा? निकल आएगा, बिल्कुल सिंपल है। इस तरह से ओपनिंग कैपिटल क्या हो जाएगा? निकल आएगा। कोई टेंशन वाली बात हमारे सामने बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से अगर वो बिजनेस या फर्म पार्टनरशिप फर्म कौन सा मेथड फॉलो करते होंगे? फ्लक्चुएटिंग मेथड अगर फॉलो करते होंगे, देखेंगे अपन कौन सा मेथड फॉलो करते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अगर फॉलो करते होंगे तब कैसे निकालोगे? तब थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, तब इस प्रकार की बेवकूफी मत करना, बल्कि क्या करना, जो भी क्लोजिंग कैपिटल दिया होगा, यानी साल के एंडिंग कैपिटल जो दिया रहेगा, उसमें आप क्या करोगे? सबसे पहले ये सब चीजों को ऐड करोगे। क्या क्या चीजों को ऐड करोगे? अगर किसी प्रकार का ड्रॉइंग्स है तो उसको आप क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। इसके अलावा कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है तो उसको भी क्या कर देंगे आप? ऐड कर देंगे। इसके अलावा कोई विड्रॉ ऑफ कैपिटल है, इसको भी क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा किसी प्रकार का बिजनेस का लॉस है, अगर आपको क्या हुआ है, लॉस हुआ है बिजनेस का, अगर लॉस है तो उसको भी क्या कर देंगे आप लोग? ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार आप चीजों को क्या कर देना? ऐड कर देना। अब इसमें से लेस क्या करोगे? किसी प्रकार का एडिशनल कैपिटल अगर होगा तो उसको आप क्या कर देना? लेस कर देना। इसके साथ और क्या लेस करोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया होगा तो उसको भी क्या कर देना? लेस कर देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। और क्या हो सकता है? पार्टनर्स लोगों को अगर रेमुनरेशन दिया होगा तो उसको भी क्या कर देना? लेस कर देना। और अगर साथ में क्या होगा, कोई प्रॉफिट वगैरह है तो उसको भी क्या कर देना? लेस कर देना, या जोड़कर यहां पे एंजर कॉलम में जोड़कर घटाकर बाहर निकाल देना, तो भी आपका ओपनिंग कैपिटल क्या हो जाएगा? आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं? ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हैं। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन में हमारे सामने सिचुएशन आ सकता है कि आपको ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए बोल सकता है, या
ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको निकालना पड़ेगा और ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया होगा, तब आप इसी तरीके से काम कर सकते हैं। क्या सीखा तुम लोगों ने? फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, तो फॉर्मूला क्या होगा? क्लोजिंग कैपिटल ऐड करेंगे विड्रॉ ऑफ कैपिटल, लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल, दैट्स इट, आगे ओपनिंग कैपिटल। लेकिन फ्लक्चुएटिंग की बात आएगी तो फ्लक्चुएटिंग थोड़ा सा आपको क्या पड़ेगा, हार्ड पड़ेगा। क्या करोगे? क्लोजिंग कैपिटल में आप क्या क्या चीज ऐड करोगे? ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, विड्रॉ ऑफ कैपिटल एंड लॉस, ये सब चीजों को ऐड कर दोगे और उसमें से क्या माइनस करेंगे? एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेमुनरेशन एंड प्रॉफिट आप लेस कर देंगे, ओपनिंग कैपिटल निकल आएगा। ठीक है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सोचो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड तुम लोगों को पढ़ाया था मैंने, मैंने बोला था कुछ चीजें मैंने आपको क्रेडिट साइड में एंट्री करवाई थी, कुछ कुछ चीजें मैंने बोला था ये चीजें पार्टनर्स के अकाउंट में डाला जाता है और ये चीजें पार्टनर्स के अकाउंट से निकाला जाता है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, याद होगा आप लोगों को। तो जो भी चीज डालते हैं पार्टनर्स के अकाउंट में, जो क्रेडिट साइड लिखते हैं उसको हम लोग हटाते हैं यहाँ पे, जो क्रेडिट साइड लिखते हैं उसको क्या करते हैं? घटाते हैं। यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के जिस जिस चीज को क्रेडिट करते हैं ना, ट्रिक दे रहा हूं तुम लोग याद रखने का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो जो चीजों की एंट्री होती है ना उसको अपन यहाँ पे घटाते हैं, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जिन जिन चीजों की एंट्री होती है ना उसको अपन क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। बस आगे बात खत्म। समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं? ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इससे जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर इसके आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इसके बाद अपन क्वेश्चन देख लेते हैं, लिखेंगे इसको तुरंत से। चलिए अब अपन इसको क्वेश्चन देखते हैं इसका। चलिए क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में क्या लिखा है देखें, सुनिएगा। कहता है अरुण एंड वरुण, इस क्वेश्चन के पीडीएफ, जितने भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा उसका पीडीएफ आपके ऐप में भी दे दूंगा और मैं आपको व्हाट्सएप में भी सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है इसमें। अरुण एंड वरुण आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। अरुण और वरुण जो दोनों है वो दोनों पार्टनर्स, और भी कैसे पार्टनर है? इक्वल पार्टनर है। क्वेश्चन क्या लिख रहा है मैं साइड में लिख लेता हूं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन नंबर आपको दिया है देख लेंगे। अरुण एंड वरुण, अरुण और वरुण दोनों पार्टनर्स है, और कैसे रेशियो का पार्टनर है? बराबर बराबर, इक्वल रेशियो के पार्टनर है। मतलब एक रुपया ये लेता है प्रॉफिट का तो एक रुपया ये भी लेता है, दोनों बराबर के पार्टनर है। ठीक है, मतलब जब भी अपन पार्टनर्स को बराबर के प्रॉफिट बोलते हैं ना, जैसे मान लो तीन पार्टनर होते तो फिर कितना हो जाता? 1:1:1 हो जाता। ठीक, फिलहाल यहां दो पार्टनर लिए 1:1, इक्वल पार्टनर बोला तो उनका रेशियो क्या होगा? हमेशा 1:1। ठीक है, आगे देखिए फिर क्या लिखता है। Their capital on 1st April 2014-15 were 4,80,000 and 5,40,000. बोल रहा हूं उनका जो कैपिटल था 1 अप्रैल 2015 को, आई थिंक 1 अप्रैल 2015 को बोल रहा है कि उनका कैपिटल, अरुण का 4,80,000 था जबकि वरुण का जो कैपिटल था वो था 5,40,000। 5 लाख कितना था? 40,000 कैपिटल था। इसके बाद कहता है ऑन 1st October 2015, 1 अक्टूबर 2015 को दे डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया दैट द टोटल कैपिटल ऑफ फर्म शुड बी 10 लाख। उन्होंने डिसाइड किया कि जो टोटल कैपिटल होगा फर्म का, जो टोटल कैपिटल होगा 1 अक्टूबर 2015 को, जो फर्म का टोटल कैपिटल होगा वो कितना होगा? 10 लाख होगा। ये उन्होंने क्या किया? डिसाइड किया। ये क्वेश्चन बोल रहा है। आगे कहता है टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड इक्वली बाय बोथ ऑफ देम, और वो जो 10 लाख है उसको क्या करना है? दोनों को बराबर बराबर रखना है, मतलब उसमें दोनों का जो शेयर होगा बराबर होगा। मतलब 5 लाख ये लगाएगा तो 5 लाख कौन लगाएगा? ये बंदा लगाएगा, अरुण लगाएगा 5 लाख, तो वरुण लगाएगा कितना? 5 लाख। ये कहने का मतलब है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑल अलाउड टू द पार्टनर्स एट द रेट 6%। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो लोग को दिया जाता है कितना परसेंट? एट द रेट 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा पर एनम के रेट से। ठीक है, आपको क्वेश्चन में कहता है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए कहता है, कैलकुलेट करने के लिए कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March 2000, कितना दिया भाई यहां पर 2016 के लिए अपन को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए बोला है।
देखो मैंने आपके क्वेश्चन को ना यहाँ पर अलग से एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ पे मैंने आपके क्वेश्चन को क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। क्या था क्वेश्चन, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। देखो ऐसी आप भी चाहो तो साइड में आप लिख सकते हो क्वेश्चन को, इसमें आपको आसानी होता बनाने में, ठीक है। अरुण एंड वरुण दोनों क्या थे, इक्वल पार्टनर थे, जिसमें से अरुण का कैपिटल जो था 1 अप्रैल 2015 को अरुण का कैपिटल 4,80,000 था, जबकि वरुण का कैपिटल 5,40,000 था, ठीक है। 1 अक्टूबर 2015 को यानी 6 महीने बाद उन्होंने डिसाइड किया कि पूरे फर्म का जो कैपिटल होगा 10 लाख होगा, जिसमें अरुण का कैपिटल 5 लाख रहेगा और वरुण का कैपिटल कितना रहेगा, 5 लाख रहेगा। तो आपको बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करो, फाइंड आउट करो, तरह तरह बोलता है, ठीक है। तो देखो पहले 1 अप्रैल को अरुण ने कितना कैपिटल लगाया, 4 लाख, ओके, और वरुण ने कितना लगाया, 5,40,000, ठीक है, 4,80,000 लगाया अरुण ने, लगाया 4,80,000, जबकि वरुण ने लगाया 5 लाख, कितना, 40,000 लगाया। हमने बोला ठीक है भाई, 6 महीने बाद उन्होंने डिसाइड किया कि कैपिटल जो होगा 10 लाख होगा, जिसमें वरुण का 5 लाख और वरुण का भी कितना रहेगा, 5 लाख कैपिटल क्या होगा, रहेगा, ओके। तो सोचो क्या होगा, पहले कितना लगाया था अरुण ने, 4,80,000, 6 महीने बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब अरुण का कैपिटल कितना होगा, 5 लाख। इसका मतलब क्या हुआ, अरुण जो है 1 अक्टूबर को 20,000 रुपये और लाया होगा, सही बात है कि नहीं है, अरुण ने 20,000 रुपये क्या किया होगा, कैपिटल फॉर्म में और लाया होगा, इंट्रोड्यूस किया होगा, ठीक है। जबकि वरुण का पहले कैपिटल कितना था, 5,40,000 था, अब कितना हो गया, 5 लाख हो गया। मतलब इसका यह हुआ कि इसने विड्रॉ किया होगा कैपिटल, इसने क्या किया होगा, कैपिटल विड्रॉ किया होगा, पूरे कितना, 40,000 रुपए का क्या किया होगा, विड्रॉ किया होगा, मींस माइनस किया होगा। आया बात समझ में कि नहीं आया, तब जाके 5 लाख क्या हुआ होगा, इसका कैपिटल हुआ होगा। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, ठीक है। तो देखिए जैसा कि आपको पता है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला जाता है वो पैसे के यूज के ऊपर निकाला जाता है, जितना फर्म उनके पैसे का यूज करेगा उतने पैसे पर उसको क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा। पिछले क्लास में मैंने इस कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर किया था, तो चलो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। देखो बच्चों लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट, कितने परसेंट के रेट से, 5% पर एनम के रेट से कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले चलो अरुण और वरुण दोनों का अलग अलग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे अरुण, तो अपन अरुण का कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, पहले अरुण का करते हैं। तो देखिए अरुण का क्या कैपिटल था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज किस पे कैलकुलेट होता है, ओपनिंग कैपिटल पे, ठीक है। तो 1 अप्रैल को अरुण का कैपिटल कितना था, देखिए 1 अप्रैल 2015 को अरुण का कैपिटल कितना था, आई थिंक 4,80,000 था, कितना था, 4,80,000। हमने बोला ठीक है भाई 4,80,000 था, ओके 4,80,000 था, ठीक है। ये जो 4,80,000 कैपिटल था, क्या साल भर 4,80,000 लगा हुआ था, नहीं सर, ये 4,80,000 कब तक था, 1 अक्टूबर था, 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक, यानी फर्म ने इनके 4,80,000 रुपए का यूज जो है वो 1 अक्टूबर तक किया, कब तक किया, 1 अक्टूबर तक, ठीक है। तो 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक आप गिन लो कितना महीना होता है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 1 अक्टूबर को आप नहीं ले सकते ना, क्योंकि अक्टूबर का मेहनत के शुरुआत में हो रहा है, कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, कितने महीने के लिए लिया, 6 महीने, यानी 4,80,000 का फर्म ने यूज कितने महीने तक किया, 6 महीने तक क्या किया, उसका यूज किया है, ओके। तो 4,80,000 का पल निकालेंगे कितना परसेंट, 5% पूरे साल भर का आ जाएगा। क्या ये 4,80,000 का यूज पूरे साल भर हुआ है, नहीं सर पूरे साल भर तो नहीं हुआ है, कितने महीने हुआ है, सिर्फ 6 महीने हुआ है, तो 6 महीने का निकाल दो आप यहाँ पे, तो 4,80,000 का 5% निकालोगे कितना आएगा, 24,000 आएगा, 24,000 का 6 महीने का निकालोगे तो 12,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 12,000, ये पहला आ गया, ठीक है 12,000 आ गया, ओके। अच्छा इसके बाद अभी बात खत्म नहीं हुई है, अरुण का कैपिटल 1 अप्रैल से अक्टूबर तक कितना था भाई, 4,80,000 था, ठीक है। 1 अक्टूबर से उन्होंने डिसाइड किया कि जो कैपिटल का अमाउंट होगा वो कितना होगा, 5 लाख, तो देखो उसका कैपिटल बदल गया, 5 लाख हो गया, कितना हो गया, 1 अक्टूबर से, कब से, 1 अक्टूबर से जो कैपिटल का वैल्यू था वो कितना हो गया, 5 लाख हो गया, न्यू कैपिटल कैलकुलेट हो गया 5 लाख। मैंने बोला ना कैपिटल जब भी कैलकुलेट करोगे वो न्यू कैपिटल पे कैलकुलेट करोगे ना, ओपनिंग कैपिटल पे शुरुआत पे, उसके बाद फिर किस पे करोगे, न्यू कैपिटल पे करोगे। तो नया कैपिटल कितना है, 5 लाख, ओके, वो भी कब से, 1 अक्टूबर से। क्या इस बीच कोई और कैपिटल आया या कैपिटल गया यहां से, नहीं सर बिल्कुल भी कोई कैपिटल ना तो आया ना तो गया अरुण का, ठीक है। तो यानी जो 5 लाख था साल के एंड तक, 5% के रेट से साल के एंड तक, यानी अक्टूबर से लेकर कब तक, मार्च तक, कितना था पूरा, अक्टूबर से मार्च तक 5 लाख रुपए तक था, कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए ना, गिन लो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक गिन लो, आया बात समझ में।
एक अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक, एक अक्टूबर तक कितना था कैपिटल? 4,80,000 था, छह महीना 4,80,000 यूज किया कंपनी ने, फर्म ने, तो 4,80,000 का 5% हमने 6 महीने के रेट से निकाल दिया। ओके, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक। इसके बाद कंपनी ने या फर्म ने उस कैपिटल की वैल्यू 5,00,000 कर दी, यानी 1 अक्टूबर से कैपिटल का वैल्यू कितना हो गया? 5,00,000। तो इंटरेस्ट यानी जो फर्म है वो कितने कैपिटल का यूज कर रहा है? 5,00,000 रुपए कैपिटल का यूज कर रहा है। वो भी कब तक कर रहा है? साल के एंड तक। तो इंटरेस्ट किस पे चार्ज होगा? 5,00,000 पे चार्ज होगा, है ना, 5% साल भर का। क्या साल भर यूज हुआ 5,00,000 का? नहीं सर, अक्टूबर से लेकर कब तक हुआ? मार्च तक हुआ। तो मार्च तक निकालोगे 6 महीने का कितना आ जाएगा? देख लो कितना आ जाएगा भाई, 5% निकालोगे तो 25,000 आ जाएगा। 25 का आधा करोगे 12,500, टोटल कितना आ गया देख लीजिए, 24,500 आई थिंक ये आ जाएगा। तो अरुण का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया वो कितना है? 24,000 कितना? 500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एक मिनट, 6% है रेट, एक सेकंड, क्वेश्चन में, ओ सॉरी थोड़ा गलती हो गई, क्वेश्चन में जो रेट है, इंटरेस्ट रेट है वो 6% है। कितना है? 6% है भाई, सुधार लो यहाँ पे, 6% है, 5% नहीं बल्कि कितना परसेंट है? 6% है, 6% के रेट से निकालेंगे ना, रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो 6% है, उस हिसाब से निकाल लेते हैं अपन लोग। चलिए उस हिसाब से कैलकुलेट कर लो 6% के रेट से, तो 6% के रेट से कैलकुलेट करके रखिए कितना कितना आ रहा है। अगर आप देखेंगे, कैलकुलेट करिए, 4,80,000 का अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा 14,400, ठीक है, ओके। और दूसरा वाला जो आएगा वो कितना आएगा देखेंगे, 15,000 रुपये आएगा ना, 6% निकाल लो, 30,000, 30 का 6 महीने का 15,000, ओके, दोनों को ऐड कर दो, 29,000 कितना? 400। तो इस प्रकार बच्चों कैपिटल आ गया किसका? अरुण का। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, यानी अरुण का कुल मिला के उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा? 29,000 कितना दिया जाएगा? 400 रुपये क्या किया जाएगा? दिया जाएगा, ठीक है। इसको लिखिए तब तक, यहां तक आगे बढ़ते, इसके बाद हम चलिए, अब हम लोग किसका निकालेंगे? वरुण का निकालेंगे। इसी तरह नीचे में लिखिएगा वरुण का, तो वरुण का निकालते, चलो वरुण का हिसाब किताब करते हैं ना। तो देखो क्या लिखा है, वरुण का 1 अप्रैल को कितना कैपिटल था? 5,40,000। क्या 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 5,40,000 था? नहीं सर, अक्टूबर में उसका कैपिटल बदल रहा है। तो बताओ 1 अप्रैल से अक्टूबर तक जब तक चेंज नहीं हुआ तब तक कैपिटल कितना था? 5,40,000 था। तो पहला जो इंटरेस्ट मिलेगा उसको किस पे मिलेगा? 5,40,000 पे, ठीक है। तो अपन निकालेंगे पहला 1 अप्रैल 2015 से लेकर 1 अक्टूबर 2015 तक कितना कैपिटल है भाई? 5,40,000। उसका कितना परसेंट? 6%। 6% निकालोगे पूरे साल भर का आ जाएगा। क्या साल भर यूज किया? नहीं सर, वो तो 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक 5,40,000 यूज हुआ है ना। तो उसका कितने महीने का निकालोगे? 6 महीने का। चलो निकाल दो 6 महीने का, 5,40,000 का निकालिए, 5,40,000 इंटू 6 मंथ का निकाल दीजिए आप लोग, कितना आएगा चेक कर लीजिए, 16,200 कितना जाएगा? 16,200 क्या हो जाएगा? ये आंसर आ जाएगा पहला, ठीक है, ओके। यहां तक कोई परेशानी है सर? बिल्कुल भी हमको यहां तक परेशानी नहीं है, ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद अब देखिएगा, ओके, आफ्टर 6 मंथ 5,40,000 चल रहा था, इसके बाद उसने 40,000 1 अक्टूबर 2015 को 5,40,000 में से 40,000 निकाल लिया, तो बोलो अब उसकी कैपिटल कितनी हो गई? 5,00,000। कितनी हो गई उसकी कैपिटल? 5,00,000, ठीक है। यानी कि 1 अक्टूबर 2015 से लेकर साल के एंडिंग डेट तक 31 मार्च 2016 तक अब इसकी कैपिटल कितनी हो गई? 5,00,000 रुपए हो गई। अब न्यू कैपिटल कितनी है? 5,00,000, ओके, न्यू कैपिटल कितनी? 5,00,000। 5,40,000 था, 40,000 निकाल लिया, अब हमारा इसका कैपिटल कितना? 5,00,000। ये 5,00,000 कब तक चला? साल के एंड तक चला, यानी अक्टूबर से मार्च तक। तो 6% साल भर का, तो 6 महीने का कितना आ जाएगा? चलो निकाल लो, 15,000 आ जाएगा। चलो टोटल कर लेते हैं कितना आ जाएगा, 31,200 क्या आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 31,000 कितना? 200, ठीक है। तो क्या सीखा हमने इससे? हमने सीखा स्टूडेंट्स कि भाई कैपिटल जो होता है, पहले तो पहला जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैलकुलेट करोगे वो ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करोगे, उसके बाद फिर जो भी कैलकुलेट करोगे वो न्यू कैपिटल पे कैलकुलेट करोगे, जितना पैसे का यूज
उतने महीने, जितने महीने आप पैसे का यूज करोगे उतने महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो यहां तक उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, इसको आप लिख लीजिए। आगे बढ़ते इसके बाद हम लोग और एक क्वेश्चन देखते हैं। अब आप लोगों के स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, अपन 3 देखेंगे और एक क्वेश्चन करते, ठीक है। जब भी कोई क्वेश्चन हो उसको पढ़े करो और साइड में क्या कर ले करो, इसी तरह से लिख लिया करो। देखो सुनना क्या बोल रहा है, गौर सुनो। ए, और चाहो तो साथ साथ मेरे लिख भी सकते हो क्वेश्चन को, अगर लिखना चाहो तो क्वेश्चन को लिख भी सकते हो जब मैं बोलता हूं तो। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, ए और बी फर्म में पार्टनर है, यानी बोल रहा है कि ए और बी दोनों फर्म में पार्टनर है, हमने बोला ठीक है। देयर कैपिटल अकाउंट शोड द बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2015 को उनका कैपिटल जो है वो शो कर रहा था, कितना शो कर रहा था, ए का शो कर रहा था 4 लाख रुपए और बी का शो कर रहा था कितना रुपए, 3 लाख रुपए, ठीक, ऑन रिस्पेक्टिवली। ऑन 1 अगस्त 2015 दे इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ 50,000 and 40,000 रिस्पेक्टिवली। 1 अगस्त 2015 को उन्होंने कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, फर्दर कैपिटल, और कैपिटल लगाया, फर्दर मींस आगे और कैपिटल को बढ़ाना। कितना फर्दर कैपिटल लगाया, 50,000 इसने और लगाया, जबकि बी ने 40,000 क्या किया और लगाया, इन्होंने कैपिटल क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, है ना। क्वेश्चन की वैरायटी देखो, ठीक है, पहले क्या बोल रहा था, ए और बी पार्टनर थे, 1 अप्रैल 2015 को उनके कैपिटल का बैलेंस 4 लाख और 3 लाख था, 1 अगस्त 2015 को उन्होंने फर्दर कैपिटल लगाया, फर्दर मतलब और कैपिटल लगाया, कितना, 50,000 और 40,000, ठीक है। आगे देखें, बी विड्रॉ 15,000 फ्रॉम हिज कैपिटल, सॉरी बी विड्रॉ 15,000 फ्रॉम हिज कैपिटल ऑन 1 मार्च 2016, ओके। बी ने क्या किया मालूम, बी ने 1 मार्च को, कब, 1 मार्च 2016 को इसने तो कुछ नहीं किया, बी ने 1 मार्च 2016 को 15,000 रुपए विड्रॉ कर लिया, 15,000 रुपए क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया, ठीक है, 15,000 विड्रॉ कर लिया। इंटरेस्ट इज अलाउड एट द रेट 6%, जो इंटरेस्ट लगाया जाता है कितने परसेंट के रेट से लगाया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम के रेट से लगाया जाता है। आपको इंटरेस्ट क्या करना है, कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2016, ओके। चलिए 31 मार्च 2016 के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, अपन लोग कैसे करेंगे, तो एक बार क्वेश्चन को फिर से आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, ओके। देखिए क्या बोल रहा था, ए और बी दोनों पार्टनर थे, 1 अप्रैल को उनका कैपिटल 4 लाख और 3 लाख था, 1 अगस्त को ए ने 50,000 और लगाया और बी ने 40,000 और लगाया, ठीक। 1 मार्च आते आते बी ने उसमें से 15,000, 1 मार्च को बी ने 15,000 क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया, बस सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है फॉर द ईयर एंडेड ऑन, फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2016, ओके, ये निकालना है। क्या बोला था, हमेशा कैपिटल किस पे चार्ज होगा, पहला कैपिटल ओपनिंग पे, बाकी कैपिटल न्यू कैपिटल पे, और जितना यूज उतने महीने का इंटरेस्ट, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले हम लोग बात करेंगे किसका, ए का, सॉल्यूशन लिख लेना, ओके, इस तरह सॉल्यूशन लिख लो। और चलो पहला अपन बात करते हैं ए की, बात करते हैं पार्टनर ए की, बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करेंगे पार्टनर ए की, चलिए देखिए सबसे पहला, देखिए 1 अप्रैल 2015 को इस बंदे ने कैपिटल कितना लगाया, 4 लाख लगाया, और कब तक चला ये, 1 अप्रैल 2015 से 1 अगस्त 2015 तक इसका कैपिटल कितना था, 4 लाख ही था, मानते हो। तो 1 अगस्त 2015 से 1 अगस्त 2015 तक इस बंदे का कैपिटल 4 लाख था, ठीक है। चलो कितना परसेंट रेट से, साल भर के रेट से 6% साल भर का आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कहां तक यूज किया पैसे का, 1 अप्रैल से 1 अगस्त तक। चलो गिनो महीना कितना होता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, बस 4 महीना, अगस्त मत गिन लेना क्योंकि 1 अगस्त है, 4 महीना यूज हुआ, कितने महीना यूज हुआ, 4 महीना। तो 4 महीने का बच्चों निकाल दो, ठीक है। चलो 4 महीने का कैलकुलेट कर लो कितना आता है फटाक से, 6% निकालोगे कितना आ जाएगा, 24,000 आई थिंक आएगा, 24,000, और 4 महीने का निकाल लो कितना आ जाएगा, 8,000, कितना जाना है, 8,000 आ जाना है, कितना जाना है, 8,000, कैलकुलेट कर लेना आप लोग, समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को, ठीक है, ओके। चलिए ठीक है, हो गया।
इसके बाद अभी अभी खत्म नहीं हुआ ना, इसके बाद क्योंकि अपन को 31 मार्च तक का इंटरेस्ट निकालना है। इसके बाद 1 अप्रैल से 1 अगस्त तक इसका कैपिटल 4 लाख था, 1 अगस्त में 50,000 और डाला, तो अब इसका कैपिटल का साइज क्या हो गया, न्यू कैपिटल कितना हो गया, 4,50,000। तो न्यू कैपिटल कितना हो गया, 4,50,000। ठीक है, 4 लाख पहले था, 50,000 और इंट्रोड्यूस किया, 4 लाख कितना हो गया, 50,000। तो बच्चों ये 4,50,000 कब से कब तक था, 1 अगस्त 2015 से लेकर साल के एंड तक, उस बीच तो कुछ नहीं किया इसने, साल के एंड तक यानी 16 तक कितना था, 4,50,000। तो अगला जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 4,50,000 के ऊपर होगा। ठीक है, तो अपन निकालेंगे 6%, वो भी कितना, कितने महीने के लिए, अगस्त से लेकर आप 31 मार्च तक गिन दो, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 8 महीना, कितना महीना, 8 महीना। ठीक है, तो 8 महीने का कैलकुलेट कर लो, चलो कैलकुलेट करो कितना आ रहा है 8 महीने का, 18,000 कितना आ जाएगा, 18,000 आ जाएगा, टोटल करके रख लीजिए कितना आ जा रहा है, टोटल कर लीजिए 18,000 प्लस 8,000 26,000। ठीक है, ये आ गया आंसर, दिस इज योर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये पहला आंसर आ गया किसका, पार्टनर ए का। ठीक, लिखेंगे इसको आप लोग, ओके। अब अपन बात करते हैं किसकी, पार्टनर बी की बात करते हैं ना, चलो जिसको ए समझ में नहीं आया होगा वो बी समझ लो तो समझ में आ जाएगा, चलिए बी की बात करते हैं, ओके। चलिए देखिए बी की बात करते हैं, सुनो, 1 अप्रैल को बी का कैपिटल कितना था, 3 लाख था, कब चेंजेस आ रहा है, 1 अगस्त को चेंजेस आ रहा है, 1 अगस्त को 40,000 और लगाया, यानी 1 अगस्त से उसकी जो कैपिटल थी वो 3,40,000 हो गई। ठीक है, होने तो 3,40,000 रुपए, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, ओके, देखें तो क्या लिखा, देखो 1 अप्रैल 2015 से लेकर 1 अगस्त 2015 तक इस बंदे का कैपिटल कितना था भाई, 3 लाख था, तो 3 लाख का कितना परसेंट, 6% साल भर का आ जाएगा, तो चलो गिन दो, 1 अप्रैल से 1 अगस्त तक इसका कैपिटल कितना हुआ, 4 महीने के लिए कितना कैपिटल हुआ, 3 लाख का 6% निकालोगे, 18,000, तो 3 लाख का 6% 18,000, 6,000 आ जाएगा 4 महीने के हिसाब से, कितना आ जाएगा, 6,000, पहला आंसर आ गया। ठीक, ओके, आगे क्या कहता है ये देखते हैं अपन लो, ठीक है, आगे क्या कहता है वो देखते हैं, तो देखिए आगे क्या कहता है, 1 अगस्त 2015 से 3 लाख तो लगाया हुआ था, 40,000 और लगाया, तो बोलो 1 अगस्त उसकी कैपिटल कितनी हो गई, 3,40,000, यानी 1 अगस्त से इस बंदे की जो कैपिटल हो गई वो कितनी हो गई, बढ़कर 3,40,000 हो गई, और एक कैपिटल कब तक 3,40,000 रही, 1 मार्च तक, अनचेंज कब तक थी, 1 मार्च तक, तो यानी कि 1 मार्च 2015 तक इस बंदे की कैपिटल कितनी रही, 3,40,000, तो 3,40,000 का 6% से साल भर का आ जाएगा, अपने को कितना मैंने यूज हुआ पैसे का, अगस्त टू मार्च, चलो गिनो, अगस्त से मार्च तक मत गिनो, मतलब 1 मार्च है तो मतलब फरवरी तक, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर दिसंबर जनवरी और फरवरी 7 महीने के लिए, कितने महीने के लिए, 7 महीने के लिए, ओके, कितने महीना, 7 महीना, नहीं आया समझ में, अरे भाई 1 अगस्त से 1 मार्च तक का कैपिटल 3,40,000 नहीं रहा, उसके बाद 1 मार्च से तो 15,000 हो जा रहा है ना, इस वजह से 7 महीने का ना, निकाल लो आप, चलो कैलकुलेट करो कितना आ रहा है 7 महीने का, 11,000 कितना आ जाएगा, 900, ठीक है ये आ जाएगा, ओके। अब सुनो, चला ये 1 मार्च से, अगला चेंज कब आ रहा है, 1 मार्च को आ रहा है, यानी 1 मार्च से कब, 1 मार्च से फिर साल के एंड तक, 1 मार्च 2016 से साल के एंड तक 31 मार्च तक, अब इसका कैपिटल कितना रहा, 3,40,000 कैपिटल था, उसमें से 15,000 इसने निकाल लिया, तो बोलो अब कैपिटल कितना हो गया, नया कैपिटल 3,40,000 में 15,000 घटा दो, 3,25,000, तो 3,25,000 का 6% साल भर का, ये 3,25,000 कब तक चला है, 1 मार्च से 31 मार्च, यानी ओनली 1 मंथ, तो 1 महीने का बच्चों निकाल दो, तो अगर आप 1 महीने का निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1,625 रुपए, इसका आप निकाल लीजिए टोटल, चलिए टोटल करिएगा, टोटल करने से आएगा 19,500
25, ये आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना, एकदम इजी है। ठीक है, तो उम्मीद है ये आप लोग को क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। कभी भी कैपिटल जो निकालोगे वो मंथ टू मंथ निकालोगे, और जितना महीना यूज करोगे उतने महीने का कैपिटल क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे। मतलब पैसे का जितना यूज करोगे उतने महीने का कैलकुलेट करोगे। पहला कैलकुलेशन ओपनिंग कैपिटल पे होगा, बाकी कैलकुलेशन न्यू कैपिटल्स पे होंगे कि न्यू कैपिटल का साइज क्या है। ठीक है, ओके, ठीक है, अप्रैल टू मार्च। अब कई लोग के बुक में कई बार ऐसा क्वेश्चन दिसंबर वाला दे देगा, तो थोड़ा देख लेना जनवरी टू दिसंबर, तो उसमें थोड़ा सा आप लोग केयरफुल रहना। ठीक है, तो यहां तक आप क्या कर लीजिए, लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक लिख, ओके स्टूडेंट, तो नंबर वन क्वेश्चन हमने देख लिया, नंबर टू क्वेश्चन देख लिया। ठीक है, अब बारी है नंबर क्वेश्चन नंबर थ्री देखने की। ठीक है, साथ साथ आप चाहो तो लिख भी सकते हो क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन इस बार थोड़ा बड़ा कैपिटल क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा, आप लोग को पहले ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में हम लोग को क्लोजिंग कैपिटल दिया होगा, हम लोग को ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करके फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। ठीक है, तो बड़ा क्वेश्चन है, चलो सुनो सुनो। लिखा है ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1, बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर थ्री आपके स्टडी मटेरियल से, सॉरी फोर है मेरे ख्याल से, स्टडी मटेरियल से फोर है। कहता है कि ए बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, ए एंड बी दोनों फर्म में पार्टनर्स थे, वो भी कैसे पार्टनर्स थे, 3:1 के, 3:1 के पार्टनर है। ठीक, देयर कैपिटल एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2016 एंड 17, साल के एंड में यानी क्लोजिंग ईयर में, यानी साल के एंड में बोल रहा है, बकायदा ओपनिंग नहीं बोल रहा। देयर कैपिटल एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, साल के एंड में, यानी कौन सा साल, 16-17, यानी कि 31 मार्च 2017 को, 17 को उनका कैपिटल 6,00,000 और 3,00,000 था। यानी इसका कैपिटल 6 लाख था ए का, और बी का कैपिटल कितना था, 3 लाख था। ठीक है, देयर कैपिटल एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2016-17 वेयर 6,00,000 एंड 3,00,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब क्या लिख रहा है देखें, ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 यानी साल 2016-17 के दौरान, साल 2016-17 के दौरान ए ड्रॉइंग्स वेयर 80,000 एंड द बी ए ड्रॉइंग्स वेयर 80,000 एंड द ड्रॉइंग्स ऑफ बी वेयर 40,000। मतलब इस दौरान बीच में, अब कौन सी तारीख को यह तो नहीं बोला, बट बीच में, साल के बीच में ए ने विड्रॉ किया कितना रुपए, 80,000 रुपए। ठीक है, ए ने विड्रॉ किया 80,000, जबकि बी ने विड्रॉ किया 40,000। ठीक है, करने दो, कोई दिक्कत नहीं हमको, ओके ये हो गया। आगे कहता है विच हैड बीन ड्यूली डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जा चुका है। ड्रॉइंग्स को क्या किया जा चुका है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट। अब थोड़ा अकल लगाओ कि ये लोग कौन सा मेथड फॉलो करते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड या फ्लक्चुएटिंग। यार क्या बोल रहा है इसमें सुनो गौर से, कहता है विच हैड बीन ड्यूली डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग्स को बोल रहा, उनका ड्रॉइंग्स 80,000 और 40,000 था, विच हैव बीन ड्यूली डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसको पार्टनर्स अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया गया था। तो थोड़ा अकल लगाओ कि कौन से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट करते हैं, अगर फिक्स्ड होता तो फिक्स्ड में तो कभी ड्रॉइंग्स को डेबिट नहीं करते, ड्रॉइंग्स को तो करंट अकाउंट में डेबिट करते हैं। ड्रॉइंग्स को कौन से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट करते हैं, जब फ्लक्चुएटिंग फॉलो किया जा रहा होता है तभी तो डेबिट करते हैं ड्रॉइंग्स को। आया बात समझ में, कॉन्सेप्ट अगर आप लोग का क्लियर होगा, पिछला वीडियो को आपने अच्छे से देखा होगा तो आपको दिमाग में बैठ गया होगा कि भाई ड्रॉइंग्स को बोल रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया गया है। मतलब समझ जाओ कि ये कौन सा मेथड फॉलो करते हैं, फ्लक्चुएटिंग, यानी ओपनिंग कैपिटल कौन से मेथड से निकालेंगे, पहले वाला जो बताया था उससे निकालोगे ओपनिंग कैपिटल, कि दूसरा वाला फॉर्मूला जो बताया था उससे निकालोगे, दूसरा जो बताया था मैंने फॉर्मूला उससे निकालोगे। समझ में आया, ठीक है, अब सुनो, तो बोल रहा है, तो ठीक है, तो समझ, इससे तो पता चल गया कि भाई फ्लक्चुएटिंग है, ओके। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर वॉज 80,000 रुपीज, बोल रहा है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था साल भर का, साल भर का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो कितना था मालूम है, 80,000 रुपए था। हमने बोला ठीक है भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, 80,000 था, ओके, बट बिफोर प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर 80,000, द सेम हैड ऑल्सो बीन क्रेडिटेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसको गलती से क्रेडिट हो गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कैसे क्रेडिट हो गया, क्रेडिटेड, क्रेडिटेड मीन क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट इन देयर, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो भी कौन से रेशियो में, 3:1 में। मतलब बोल रहा है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000 था
जिसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह बटना चाहिए था, बट वो गलती से ना पार्टनर्स लोगों के अकाउंट में क्रेडिट हो गया। क्रेडिट मतलब प्लस हो गया, क्रेडिट मतलब समझ रहे हो ना, क्रेडिट पढ़ाया तो था यार, क्रेडिट मतलब प्लस हो गया, ठीक है। वो भी क्या क्या नाम से उसको क्रेडिट कर दिया गया, प्रॉफिट समझ के उसको डाल दिया गया, प्रॉफिट समझ के जोड़ दिया गया, प्रॉफिट है समझ लो, 80,000 क्या है मान लो प्रॉफिट है, प्रॉफिट समझ के उसको जोड़ दिया गया था, तो ठीक है ना, अभी प्रॉफिट समझ के घटा देना, प्रॉफिट बोला था ना घटाते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट समझ के उसको 3:1 में दोनों में बांट दिया गया था। तो मतलब कैसे बांटे होंगे, ए को और बी को 80,000 कैसे बट गया होगा, 80,000 का आप निकालोगे 3:1, तो पहला बी का 3, 3+1, 4 आता ना निकालने आप लोगों को, भाई निकालना ना 3+1, ये दोनों को जोड़ लो रेशियो को, बेस में आ जाएगा 4 और ए का ही शेयर कितना है 3, तो इसको सॉल्व कर देना और 80,000 इंटू 1/4 ऐसा कर देना, तो कितना आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा 60,000 और ये आ जाएगा कितना 20,000, तो है ना, मतलब 60,000 ए के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया प्रॉफिट समझकर और 20,000 बी के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया प्रॉफिट समझकर, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखता है, आगे कहता है बी हैड ब्रॉट एडिशनल कैपिटल ऑफ 70,000 ऑन 1 अक्टूबर 2016 और बी ने, किसने, बी ने 1 अक्टूबर 2016 को एडिशनल कैपिटल लगाया था, एडिशनल कैपिटल लगाया था, वो भी कितना रुपए लगाया था एडिशनल कैपिटल, कुछ लगाया था इस बंदे ने कैपिटल एडिशनल में कुछ 70,000 रुपीस कैपिटल लगाया था, कितना लगाया था 70,000 कैपिटल लगाया था। आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करना है, वो भी कितने परसेंट के रेट से, एट द रेट कितना परसेंट लिखता है 12% के रेट से निकालना है पर एनम, और आपका जो क्लोजिंग डेट है फॉर द ईयर एंडेड, जो ईयर एंडेड है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां पे ईयर एंडेड, जो आपका ईयर एंडेड है वो कितना दिया यहां पर 16/17 यानी वही 31 मार्च 2017, ठीक है। इस तरह से देखो ये क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, चलो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या बोला है, ज्यादा कुछ बोला नहीं है, समझ लो क्या लिखता है। ए और बी दोनों पार्टनर थे, वो भी कैसे पार्टनर थे, 3:1 के पार्टनर थे, साल के एंड में, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर मतलब क्लोजिंग कैपिटल बोल रहा है, साल के एंड में उनका कैपिटल कितना था 6,00,000 और 3,00,000, ये दोनों उसका कैपिटल एक्सप्लेन कर रहे हैं, दोनों का कैपिटल क्या था, कैपिटल था, ठीक है, यानी क्लोजिंग कैपिटल एक तरह से, क्या है ये, क्लोजिंग कैपिटल है, साल का एंड बोल रहा मतलब क्लोजिंग कैपिटल है। साल के दौरान, साल के दौरान ए ने ड्रॉइंग्स किया 80,000, बी ने ड्रॉइंग्स किया 40,000, हमने बोला ठीक है ओके, जो कि उनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया गया, तो इससे समझ में आ जाता है कि ये फ्लक्चुएटिंग मेथड वाला है, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग में ही ड्रॉइंग्स को डेबिट या क्रेडिट किया, डेबिट किया जाता है, तो फ्लक्चुएटिंग है, ठीक है। तो यानी सेकंड नंबर वाले फॉर्मूले से अपन ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000 था, जिसको प्रॉफिट समझकर 3:1 में पार्टनर लोगों में बांट दिया गया, यानी कि 80,000 को 60,000 और 20,000 एक अकाउंट में 60,000 क्रेडिट कर दिया गया, बी के अकाउंट में 20,000 क्रेडिट कर दिया, जबकि ऐसा नहीं करना था बट कर दिया, ठीक है, प्रॉफिट ही मानो, इसको प्रॉफिट कर दिया गया, ठीक है। 1 अक्टूबर 2016 को बी ने एडिशनल कैपिटल 70,000 लगाया था, ये अलग बात है, 70,000 लगाया था, ठीक है लगाने दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट 12% है और ईयर एंडेड 16/17 के लिए बनाना है। तो यार सबसे पहले अपन को इंटरेस्ट निकालना है, तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, दोनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, ठीक है, सॉरी ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, पहले क्या निकालना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल। चलिए ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करते हैं, तो देखिए ऊपर हेडिंग लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, वो भी कौन से मेथड के अकॉर्डिंग चलेंगे, फ्लक्चुएटिंग मेथड के अकॉर्डिंग अपन लोग काम करेंगे, ओके। चलिए देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, तो देखिए समझना, सबसे पहले कॉलम भी बना सकते हैं आप चाहो तो, फॉर्मूला बताया था ना मैंने, कॉलम बना लो, इस तरह से कॉलम बना के ही बना सकते हैं अपन लोग, चलिए बनाते हैं सबसे पहले। हाँ, इनका क्लोजिंग कैपिटल क्या था, पहले क्या लिखते हैं अपन लोग, क्लोजिंग कैपिटल, ये पार्टनर ए है और पार्टनर बी है, तो पार्टनर ए का क्लोजिंग कैपिटल कितना है, 6,00,000 है सर, और बी का कितना है, 3,00,000 है, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें ऐड करेंगे, तो याद है ना फॉर्मूले में क्या क्या चीजें ऐड करते हैं, देखो सबसे पहले क्या ऐड करते हैं अपन लोग, कोई विड्रॉ ऑफ कैपिटल, तो उसको ऐड करते हैं, क्या यहाँ पे कोई विड्रॉ ऑफ कैपिटल दिख रहा है, नहीं सर। फिर अपन क्या ऐड करते हैं, ड्रॉइंग्स है तो ऐड करते हैं, देखो यहाँ कहीं ड्रॉइंग्स दिख रहा है, हाँ सर ड्रॉइंग्स दिख रहा है, देखो क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अपन ड्रॉइंग्स को क्या कर देंगे, ऐड। तो ए का ड्रॉइंग्स कितना था बच्चों, 80,000, बी का ड्रॉइंग्स कितना था, 40,000, ओके। चलिए और क्या अपन लोग ऐड करते हैं, कोई लॉस होता तो ऐड कर देते हैं, या कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होता तो ऐड कर देते हैं, तो ना तो यहाँ पे क्वेश्चन में लॉस है, ना तो कहीं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का जिक्र है, तो छोड़ दीजिए, ठीक है, बस और कुछ तो ऐड करना नहीं है,
तो आप क्या करिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 680,000 और ये आ जाएगा 340,000। ठीक है, अब इसमें से अपन लोग लेस करते हैं, याद करो क्या क्या लेस करते हैं, याद करो फॉर्मूले में किसी प्रकार का एडिशनल कैपिटल है तो लेस करते हैं। बोलो एडिशनल कैपिटल है? हाँ जी सर है। तो एडिशनल कैपिटल को क्या कर दीजिए, लेस कर दीजिए। किसका एडिशनल कैपिटल है? ए का तो नहीं है, बी का जरूर है। बी ने 1 अक्टूबर को लगाया था एडिशनल कैपिटल है, देखो है ना। तो एडिशनल कैपिटल कितना है? बी का है। किसका है? बी का है। तो बी का अपन घटाएंगे, इसका नहीं घटाएंगे, बी का घटाएंगे 70,000 रुपए। ठीक है, 70,000 घटा दो, ठीक है 70,000 घटा दो, चलो घटाई दो यहीं पे, कितना आ रहा देखो 680,000 एज इट इज आ जाएगा। इसका घटाओगे कितना आ जाएगा 70,000 घटा दो, 0,0,0,0 14 में से 7 और ये 270,000 आ जाएगा। ओके ठीक, इसके अलावा क्या घटाया जाता था याद करो, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो घटा देते थे, किसी प्रकार का रेमुनरेशन है तो घटा देते थे, प्रॉफिट है तो घटा देते थे। क्या प्रॉफिट है यहाँ पे? हाँ सर प्रॉफिट तो है, कितना है 60,000 और 20,000। हालांकि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है लेकिन उसको प्रॉफिट समझ के हमने कर दिया था, तो प्रॉफिट ही समझ के आप घटा दीजिए। ठीक है, तो प्रॉफिट समझ के इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। प्रॉफिट कितना कितना प्रॉफिट था, 60,000 था और कितना 20,000 था। चलिए घटाइए, तो देखो बच्चों ओपनिंग कैपिटल कितना आ गया, तो ओपनिंग कैपिटल निकाला जाएगा कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो ये घटा दीजिए इसको, 6,20,000 ए का आ गया और 2,50,000 किसका आ गया, बी का आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरह से अपन ने ओपनिंग कैपिटल क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, यहां तक लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो हमारा ओपनिंग कैपिटल 6,20,000 आ गया और 2,50,000 आ गया। ओके, तो ओपनिंग कैपिटल हम लोगों ने निकाल दिया, अब हमको क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो फिर से अपना सीधा सीधा काम करते, लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, वो भी कितने परसेंट के रेट से भाई, 12% के रेट से, एट द रेट कितना परसेंट, 12% पर एनम। चलिए स्टार्ट करते, पहला किसका निकालेंगे, पार्टनर ए का। सीधा सीधा चलोगे पार्टनर ए का निकालोगे। चलो बताओ पार्टनर ए का ओपनिंग कैपिटल क्या था पहले, 1 अप्रैल 2016 को इस बंदे का ओपनिंग कैपिटल कितना था बताओ मुझे। सर इस बंदे का ओपनिंग कैपिटल अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है 6,20,000। कितना कैलकुलेट किया, 6,20,000। अब आप ये सोचिए क्या साल भर में उसने कोई एडिशनल कैपिटल लगाया? नहीं सर, एडिशनल कैपिटल तो बी लगाया था, ए ने तो नहीं लगाया था। क्या उसने कुछ विड्रॉ किया था? विड्रॉ मैं समझाया हूँ, ड्रॉइंग्स और विड्रॉ अलग अलग चीजें होती है ना, तो ड्रॉइंग्स को नहीं लेना। विड्रॉ किया था क्या कुछ? नहीं सर, विड्रॉ तो नहीं किया था। यानी साल भर उसका कैपिटल कितना रहा, 6,20,000। साल भर उसका कैपिटल कितना रहा, 6,00,000। कितना रहा, 20,000 साल भर उस बंदे का कैपिटल रहा। तो बच्चों चार बार सेल 6,20,000 रहा, तो इसका 12% आप क्या कर दो, निकाल दो, पूरे साल भर का कैपिटल क्या कर दीजिए, फाइंड आउट कर दीजिए, कैलकुलेट करिए। चलिए 6,20,000 का 12% निकाल दो, 74,400 आ जाएगा। 74,000 कितना आ जाएगा, 400। ठीक ओके, इसके बाद बात करते हैं किसकी, अब हम लोग बात करेंगे किसकी बात करेंगे, बी की बात करेंगे। अब हम बात करते हैं पार्टनर बी की। चलो पार्टनर बी की क्या कहानी है, 1 अप्रैल से उसका कैपिटल कितना था 2016 को, याद करो कितना निकाले थे, 6,20,000, 2,70,000 घटाए थे, हाँ 2,50,000 था। कितना था, 2,50,000 था। ठीक है, तो 2,50,000, तो यहाँ लिखेंगे 2,50,000। ओके कितना था, 2,50,000। तो ये 2,50,000 कब से कब तक था सोचो तो पहले, क्या इसने साल के बीच में कोई कैपिटल लगाया था? हाँ सर, 70,000 इंट्रोड्यूस कर रहा, देखो 1 अक्टूबर को, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक इसका कैपिटल कितना रहा, 2,50,000 रहा है ना, 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक, यानी 6 महीने तक इसका कैपिटल 2,50,000 रहा। तो इंटरेस्ट भी कितने महीने का चार्ज करेंगे, 6 महीने का। चलो निकालो इसका 6 महीने का 12% के रेट से, पंद्रह हजार आ जाएगा। अब देखिए 1 अक्टूबर से 70,000 और पैसा लगाया, तो अब इसका साइज ऑफ कैपिटल कितना हो गया, पहले 2,50,000 था, 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक
2.5 लाख था, 70,000 और लगाए तो उसका कैपिटल का प्राइस क्या हो गया, 3,20,000, 3,20,000 हो गया ना, 3 लाख कितना हो गया, 20,000 ऐड करोगे तो ना 70,000 और लगाए, 2.5 लाख पहले था, 70,000 और लगाए कितना हो गया 3,20,000, 12% निकाल दो भी, कितने महीने का, 6 महीने का। चलिए कैलकुलेट करिएगा, आप निकालेंगे 3,20,000 का 12% और उसमें 6 मंथ का निकाल दो, आई थिंक 19,200 कितना आ गया, 19,200। अब ये दोनों को ऐड कर दो, 200 9 + 5 = 14, 34,000 कितना आ जाएगा, 200। ये आ गया तुम्हारा आंसर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो बढ़िया क्वेश्चन था, तो ये हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है इस तरह से। तो यार अपन लोग इस तरह से सारे क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसका अलग निकला था ना, ये पार्टनर ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ये किसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर बी का। तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो आज हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला टॉपिक क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। इसे कुछ होमवर्क और आपको सेंड करेंगे, आप लोग उसको बना के हमको क्या करेंगे, दिखाएंगे, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।